माता रानी के दर्शन भी हो चुके हैं, बहुत मस्त बहुत प्यारे दर्शन माता रानी के हो चुके हैं। कैसा मेरे भाई, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है ना। कल को रिंगाल से भून करके ढोल बनाया गया है विशेष प्रकार का, ये देख लो। और ये कलाकार हमारे चाचा जी, ये भद्र विशाल दिखाना है यार। और उसके साथ साथ इधर देख लो। तो चलो भाई चरखी में बैठ चुके हैं और अब अनुराग पनुराग बाहर आने वाले, नीचे जाते समय दुर्गेश भाई का रंग ढंग उतर चुका है, ये देख लो। गुड मॉर्निंग, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, हो चुके हैं नए ब्लॉग की शुरुआत सीधे श्रीनगर से। कल रात में हम लोग श्रीनगर आए हुए थे, आज हम लोग श्रीनगर से ऊपर निकल रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोगों को निकलना है माधारी देवी के लिए, माधारी देवी के दर्शन करने हैं, और उसके बाद हम लोग सीधे जोशीमठ के लिए निकलेंगे। जोशीमठ से भी पहले एक और जगह जाना है, मैंने कल आप लोगों को बोला था वन विकास मेला लगा हुआ है हमारे पीपलकोटी में, तो वहाँ भी जाएंगे। क्यों? वहाँ पर हम दुर्गेश भाई भी मिलेगा हमको, तो वहाँ से तीनों भाई वहाँ से सीधे घर के लिए निकलेंगे। बाकी भाई साहब आज बहुत हालत खराब होने वाली है, केवल एक शर्ट में मैं घर से आया हुआ था, सोचा था कि बीच रास्ते में कहीं पे कोई एक जैकेट वगैरह लूंगा, लेकिन इस चार दिन के सफर में अभी एक जैकेट भी नहीं लिया, बीच में कहीं पे भी मतलब जरूरत उतनी पड़ी नहीं तो लिया भी नहीं। तो आज आप बताने वाले, कल रात में यहाँ पे श्रीनगर में घूमे थे हम एक जैकेट के लिए, लेकिन मार्केट बंद हो गया था, तो हमको ऐसे ही जाना है। ये भाई तो पूरी तैयारी में है क्योंकि ये शादीशुदा आदमी है, इसको सब पता है कि अब किस तरह से जिंदगी जीनी है, लेकिन हम सिंगल आदमी को भी पता नहीं है कि जिंदगी किस तरह से चलेगी। तो अभी देखते हैं इसी तरह से ठोकर खा करके इसी तरह से ठंड झेलते हुए हम लोग अब फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। साबुन और ब्रश रख दे। तूने रख दिया साबुन? छोड़ ना। अरे साबुन रख दे भाई। अरे मैं साबुन को डालूंगा खाली। क्या बात कर रहा तू, बैग के मैं डाल दूंगा भाई, क्या बात कर रहा। ये देख लो भाई, अभी ढंग से उजाला भी नहीं हुआ सुबह का, मतलब 6:30 बज रहा है, 7 बज गया। बोला भाई मौसम खराब हुई हुआ आज। वेदर रिपोर्ट देख तू, जैसे कहीं आज बारिश हो रहा है भाई। लगनी तो नहीं थी फिलहाल, 10 दिन तो बता नहीं रहा था। नहीं लगेगी यार, लॉक लगा हुआ था ना। हाँ भाई, आपने बनाई? भाई ऐसा लग रहा है कि मौसम बिल्कुल खराब हो रहा है, लेकिन मौसम खराब बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ दिखा रहा है, लेकिन धुंध लगी हुई है। बाकी फिलहाल अब यहाँ से निकलने वाला है, ये देख लो, ये है अपना श्रीनगर, श्रीनगर मार्केट, श्रीनगर बाजार। अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे धारी देवी के लिए, तो चलिए। तो चलो दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम लोग माधारी देवी। अभी हम लोगों ने यहाँ आगे गाड़ी लगाई हुई है, तो प्रसाद वगैरह ले करके अब हम लोग निकल रहे हैं माधारी देवी के दर्शन करने। अब मस्त से दर्शन करेंगे माधारी देवी के। चलो आज एक भाई का सपना भी पूरा होने वाला है। तो चलो जी, जय माधारी देवी, जय हो। ये है भाई जूता काउंटर, यहाँ पे जूते खोलेंगे, अब यहाँ से अंदर जाएंगे हम लोग। जय हो। तो चलो दोस्तों, माता रानी के दर्शन भी हो चुके हैं, बहुत मस्त बहुत प्यारे दर्शन माता रानी के हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा उधर पुल में जाएंगे, कहाँ था पुल, चलो पुल में चलते नहीं उधर थोड़ा। हाँ चलो भाई, माता रानी के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जस्ट इधर के पुल में आए हुए हैं। यहाँ से माता रानी की जो मंदिर है उसको निहार रहे हैं, ये देख लो, ये है माता रानी का मंदिर। और ये देख लो यहाँ पे अभी बोटिंग चल नहीं रही, नहीं अभी शायद तो बोटिंग बोटिंग क्या करें, निकल ऐसी रहा है मुँह से, हम क्या कर सकते हैं। आइए आप लोग भी यहाँ पे माता रानी के दर्शन करिए, इधर बोटिंग कर बोटिंग करिए मस्त से। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम लोग कब कहाँ रुकेंगे, अब सीधे जहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे वहाँ पे रुकेंगे, नहीं तो आप लोगों को सीधे हम लोग मिलेंगे मेले में, ठीक है। तो चलो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग पीपलकोटी यानी वन विकास मेले में, ये देख लो। तो चलो थोड़ा सा घूमते हैं इधर,
थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं कि नहीं। क्या चीज अच्छा यहाँ से, चलो भाई साहब कह रहे हैं यहाँ से ले लो, तो यहाँ से दुकानें स्टार्ट हो रही है, यहाँ से मेले का शुभारंभ हो रहा है। चलो भाई जी, कैसा मेरे भाई, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है ना? दुर्गे तो रजी जी यार तगड़ा हम निकाली अलग दुर्गे दुर्गे सर दुर्गे जी के सोरा जी खास मेला है भाई, प्रणाम। अरे 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 हम देखने की तू भी नहीं बता, हम कहे हम बता कहे देख लग पका चले दोस्तों। चीजें आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखी होगी, लेकिन मेलों में जो सबसे मेन चीज देखने को मिलती है, जो सबसे विशेष चीज देखने को मिलती है, अभी एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ। ढोल आप लोगों ने देखा होगा, ये देख लो, नॉर्मल ढोल देखा होगा जिसमें आप लोगों ने यहाँ पे पीतली का रहता ना ढोल। हाँ दुर्गेश भाई, ढोल के यहाँ पे क्या लगा रहता है, जहाँ पे रिंगाल लगा हुआ है तामा रहता है ना, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ भी मेटल नहीं है, कुछ भी तांबा नहीं है, ये बिल्कुल कलाकारी जो रिंगाल है, रिंगाल को रिंगाल से भून करके ढोल बनाया गया है विशेष प्रकार का, ये देख लो। और ये कलाकारी हमारे चाचा जी, ये बद्री विशाल दिखाना है यार, और उसके साथ साथ इधर देख लो बद्री विशाल, ये क्या है यहाँ पे देख लो, सारी हाथ की कलाकारी है यार, ये पक्षम वगैरह इधर देख लो भाई साहब, गजब यार, बहुत बहुत प्यारा है। ये देख लो उसके साथ साथ दमाऊ भी है इसके साथ में, तो इसमें सारा मेटल वगैरह लगा रहता है, तांबा वगैरह, लेकिन ये पूरा रिंगाल से बना रखा, बहुत जबरदस्त यार, या दिल खुश कर देता हूँ जी। ये देख लो सारी चीजें, मंच ते प्रणाम कर दू, मुख्य अतिथि जी ते प्रणाम कर दू, पीपल कोटी का बंड ये मेला मा सभी दर्शकों को कलश सस्ता परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर दू। द्वीप पंक्ति सुनो लो, कि छत में बैठी खुटी हिलकोनी दस दस घंटा चेटिंग होनी, छत में बैठी कि नए जमने लड़की छत में बैठी खुटी हिलकोनी दस दस घंटा चेटिंग होनी, अब प्राइवेट वो मुर्गी चार्ज करोनी सरकारी वो दगड़े चेटिंग होनी, अरे कुलड़ का ये नाती मेरे मुल्क मा जे की ब्यो की उम्र हुए गिर उम्र 35 से ढेर नी, कि कुलड़ का ये नाती मेरे मुल्क मा जे की ब्यो की उम्र हुए गी और उम्र 35 से ढेर नी, और जे की रिचार्ज करने सके नी तो अपना मर बिलो गण में दिए नी। बढ़िया भाई, जब ब्रज साहब आ सकता है छटका आप लोग कि तबरी मॉल तबरी वीडियो कॉल सारी दुनिया सुविधा मा यूं को खुश मुख नी, और बुआरी दिन माता दस रील बोनी मेड बोनी यरा मेरे बेटी की तेज सो रहा तू कोई सुख नहीं। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग चरखी में बैठने वाले हैं, मतलब जो मेला है उसका पूरा निचोड़ है चरखी, जहाँ से पूरा सीन दिख जाता है, अब हम लोग जाने वाले हैं। डर तो नहीं लग रहा भाई जी, बैठे हो ना चरखी में कोई दिक्कत तो नहीं? अभी अभी हमारे दुर्गेश भाई बोला था कुछ खाते हैं, पर उसके बाद बैठे फिर भाई। ये देख लो अपना फिर भाई, तो ही बैठना क्या राजा दुर्गेश के घर से आ जा, एक और बैठ आज मैं आज से मैं बोलता तो चलो भाई चरखी में बैठ चुके हैं और अब अनुड़ा पनुड़ा बाहर आने वाले नीचे जा समय लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, ये देख लो भाई धीरे धीरे हो रहा है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा दुर्गेश भाई का रंग डंग उतर चुका है, ये देख लो बोलो कुछ नीचे जा रहे मेरे को ये देख लो भाई, यहाँ से आप लोग नीचे ड्रैगन देख लो, पूरा मेले का एंजॉय ले लो, ये ड्रोन व्यू, ड्रोन व्यू अब रोज है, अब रोज है।
अरे भाई के नजदीक में तो पर आया तो हाथ ही कर लो मुझे चल चली तू तो चल हाँ राजेश दो ही चांस है ले लिया आशीर्वाद कुछ तो चलो दोस्तों फाइनली हम लोगों की जो चार दिन की जो यात्रा थी वो बहुत मस्त तरीके से सकुशल संपन्न हो चुकी है। हम लोग घर भी पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग अपने घर पे हैं। ये देख लो भाभी जी धारी देवी का जो प्रसाद है वो ग्रहण कर रहे हैं। अब तुम्हारा कब प्लान है भाई? मेरे तो कल जो हमारा दोस्तों हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था वैसे घूमने का, बद्री विशाल का था हमारा प्लान नहीं था। हमारा केवल इतना प्लान था हम लोगों को ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश में हमको कुछ सामान लेना था सैलेश भाई का, तो ऋषिकेश वो हमारा मेन प्लान था कि ऋषिकेश जाना है सामान लेना है। लेकिन क्या करें बाबा जी ने हमको बुलाया, नीम करौली बाबा जी ने हम लोगों को जबरदस्ती जाना पड़ा। हम लोग गए नहीं, हम लोग खींचे चले आए उनके पास। सामान आ चुका है रानीखेत, हम इसलिए गए क्योंकि नीम करौली बाबा जी के पास जाने के लिए रानीखेत जाना पड़ता है, क्योंकि वो कुमाऊं से होकर के जाता है, इसलिए हमको कुमाऊं से होकर जाना पड़ा, कुमाऊं जाना पड़ा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे व्लॉग, हमारे जो तीन चार दिन की जो यात्रा थी ये पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते रहेंगे आप लोगों को और व्लॉगों के साथ, जैसा जैसा व्लॉग बनता है, जैसा जैसा समय मिलता है वैसे वैसे आप लोगों के लिए व्लॉग आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बद्री विशाल, बाय बाय।